हेलो स्टूडेंट्स, तो यूनिट 5 में आप एग्जाम हॉल की तैयारी प्रिपरेशन करते होंगे। ओके, थियोरी भी अच्छी अच्छी है पढ़ना। ओके, तो अभी हम यहाँ पे एक्सरसाइज 5.20 जो 3 मार्क्स के लिए आए भी है वो हम देख रहे हैं। दिस एग्जाम्पल इज सेम एज इलुस्ट्रेशन 5.5 इन आवर चैप्टर नंबर 5। ओके, सो वो हम अभी देख चुके हैं। ओके, 5.5 इलुस्ट्रेशन जो है वो सेम ही है, उसी के रिलेटेड ये एग्जाम्पल आपको दिया गया है, वो हम यहाँ पे काउंट करेंगे। ठीक है, तो अभी जो है पढ़ रहे हैं और आप अच्छे से समझना। अ बैट्समैन डिफ्लेक्ट्स अ बॉल बाय एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड विच इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द इम्पल्स इम्पार्टेड टू दी बॉल्स। तो फिगर कैसी होगी वो इमेजिन हम करते हैं। यहाँ पे अ बैट्समैन डिफ्लेक्ट्स अ बॉल बाय एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड। ओके, अ बैट्समैन जो है वो बॉल को डिफ्लेक्ट करता है एट 45 डिग्री विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड। ओके, 45 डिग्री पे यहाँ पे कर रहा है, तो 45 डिग्री तो यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस दोनों रिलेटेड होंगे। ओके, क्योंकि डिग्री जो मिल रही है यहाँ पे 45 का एंगल जो मिल रहा है तो वो एक एक्सिस में पॉसिबल नहीं है एंगल कोई भी, राइट? तो दोनों एक्सिस यहाँ पे इफेक्ट करेगी, उसी के हिसाब से हम फिगर ले लेते हैं। लेकिन पहले जो गिवन वैल्यू है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो गिवन वैल्यू, और उससे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं कि इतने एंगल पे वो बना रही है 45 एंगल पे। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड जो है 54 किलोमीटर पर आवर। फाइंड क्या करना है हमें, व्हाट इज द इम्पल्स इम्पार्टेड टू दी बॉल्स। इम्पल्स हम सीख चुके हैं, ठीक है, इम्पल्स इज इक्वल फोर्स इनटू टाइम और चेंज इन मोमेंटम। ओके, तो यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू है उसके हिसाब से हम दोनों में से इक्वेशन डिसाइड करेंगे, कौन सा इक्वेशन हम यूज करेंगे इस एग्जाम्पल में। क्लियर? तो पहले गिवन वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे। तो बैट्समैन रिफ्लेक्स अ बॉल बाय एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल 45 डिग्री आपको दिया गया है। चलो उसके बाद विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड, स्पीड वी इज इक्वल 54 किलोमीटर पर आवर। याद रखना विदाउट चेंजिंग इनिशियल स्पीड। ओके, चेंज नहीं है, दैट मीन्स जितनी स्पीड के साथ वो गया उतनी ही स्पीड के साथ वो डिफ्लेक्ट भी होगा। क्लियर? देयर इज नो चेंज इन स्पीड। सो वेलोसिटी स्पीड वी इज इक्वल हाउ मच, 54 किलोमीटर पर आवर। अब आवर में जो स्पीड का यूनिट हम लेते नहीं है, हमें एमकेएस और सीजीएस यानी सेकंड में ही करना है, तो हम सेकंड में यूनिट कन्वर्ट करते हैं। तो 54 किलोमीटर, किलो यानी थाउजेंड, थाउजेंड डिवाइड बाय आवर, मीटर हुआ तो सेकंड में ही करना है हमें, आवर का सेकंड में यानी 3600। चलो 0 0 कैंसिल, फिर ये 5 2 10 एंड 18 2 36। नाउ 18 3 54 एंड 3 5 15। ओके, मीटर पर सेकंड। क्लियर? तो वेलोसिटी आपको मिल गई, स्पीड मिल गई आपको 15 मीटर पर सेकंड। What is the impulse imparted to the balls? Mass of the ball is 0.15 kg. Mass is equal 0.15 kg. And what is impulse imparted? Impulse आपको find करना है, F into delta t वो आपको find करना है, impulse. Okay? Impulse. Clear? यहाँ पे आपको समझ आ जाना चाहिए कि मास और वेलोसिटी, स्पीड एंड मास दिया गया है, उसी के हिसाब से आपका इक्वेशन रहेगा। क्लियर? नाउ इम्पार्ट, इम्पल्स इम्पार्टेड, इम्पार्टेड यानी लाइक दिस सिचुएशन, दिस सिचुएशन। तो टाइम और फोर्स दोनों एक साथ इफेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो आपको चेंज इन मोमेंटम ही फाइंड करना रहा, कॉमन सेंस है ये, थोड़ा आपको चला लेना चाहिए। तो अभी हम कैलकुलेशन करने की स्टार्ट करते हैं। इतनी गिवन वैल्यू है आपके पास। ओके, अभी इसकी फिगर कैसे बनेगी, तो 45 डिग्री पे वो चेंज होता है, 45 डिग्री पे। क्लियर?
सॉरी 45 डिग्री बना रहा है एंगल के हिसाब से, तो हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करेंगे फ्रॉम एक्स टू वाई एक्सिस। ओके, तो ये आपकी एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, क्लियर। यहाँ जो मैं फिगर बना रही हूँ वो मैं पहले यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ, फिर बाद में हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि स्पेस हमारे पास कम है। तो ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। चलो 45 डिग्री पे एंगल बना रही है यहाँ पे, डिफ्लेक्ट्स अ बॉल बाय एन एंगल ऑफ 45 विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड। ओके, तो यहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल की बॉल जो है वो यहाँ पे आ रही है, बॉल जो है वो यहां से इनिशियल स्पीड 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो आ रही है, और लाइक दिस विदाउट चेंजिंग स्पीड के साथ वो वापस जा रही है। ओके, तो ये आप उसकी इनिशियल कंडीशन, दिस इज द फाइनल कंडीशन, और वो जो है यहाँ पे कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्री का एंगल बना रही है यहाँ पे, क्लियर। ये पॉइंट आप यहाँ पे भी ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो, और यहाँ पे भी ले सकते हो ऐसे। ओके, सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा ना। ये टोटल आपका एंगल है जो 45 का दिया गया है, बट यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको एक अक्सिस मिल रही है। यहाँ पे लोग आप ऐसी फिगर लोगे फिर भी आपका अक्सिस वाई ही रहेगा, ऐसी लोगे फिर भी वाई रहेगा, और ऐसे आप ले लोगे फिर भी वाई रहेगा। ओके, तो ये जो है ये वाई एक्सिस है आपकी, तो वाई एक्सिस के साथ देखो तो ये जो 45 का एंगल है वो डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे एक एंगल मिल रहा है और यहाँ पे एक एंगल मिल रहा है, थीटा थीटा। ओके, तो यहाँ पे जितनी हुई है मैं उतनी फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ। ये थीटा हो गया। ओके, ये टोटल 45 का है, ये 45 डिग्री का है टोटल, ठीक है। तो वाई एक्सिस जो अगर हम ले जहां पे वो इम्पैक्ट कर रहा है वहां से वाई एक्सिस ले ले, तो ये दो एंगल में डिवाइड हो जाएगा। इन इलस्ट्रेशन 5.5 जो हमने 30 30 डिग्री का लिया था वो एक्चुअली 60 डिग्री का है, लेकिन वाई एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस के हिसाब से क्या हो रहा है वहां पे डिवाइड हो रहा है, वो हमें नहीं दिया गया क्योंकि डायरेक्टली फिगर ही हमें दी गई थी, यहाँ पे हमें फिगर बनानी है। ओके, सो देयर इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशन 5.5 एंड दिस एक्सरसाइज 5.20, क्लियर। नाउ व्हाट हैपन कि एट इनिशियल मोमेंटम फॉर एग्जाम्पल लाइक P1, बिकॉज द बॉल हैज अ मास 0.15 kg एंड वेलोसिटी इज 15 मीटर पर सेकेंड, मास इनटू वेलोसिटी इट गिव्स मोमेंटम, तो इतने मोमेंटम के साथ वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। अगर ये इस डायरेक्शन में आ रहा है तो यहां से यहां तक आएगा, तो फॉर एग्जाम्पल एक्स एक्सिस के हिसाब से भी ये यहां से यहां तक आएगा, राइट। तो वाई एक्सिस के हिसाब से भी ये यहां से यहां तक तो आ ही जाएगा, राइट। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, फिर यहां से वो यहां पे आएगा तो वो यहां से यहां तक आ जाएगा और यहां से यहां तक आ गया। चलो अभी क्या देखना है कि एक साथ वो एक्स वाई एक्सिस पे आ रहा है, लेकिन अभी हमें ये देखना है कि एक्स एक्सिस जो है तो उसकी डायरेक्शन देखो प्रॉपर है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है वो। ओके, एक्स एक्सिस में जब वो इनिशियल कंडीशन में से जा रहा है कॉलिजन करने के लिए, तो वो एक्स एक्सिस पे कुछ इस डायरेक्शन में है, मान लो ये एक्स एक्सिस है आपकी, तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है बिफोर कॉलिजन, इस डायरेक्शन में जा रहा है। बट ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के हिसाब से तो यहां से वो नीचे की ओर आ रहा है, इनिशियल कंडीशन वो नीचे की ओर आ रहा है। ओके, आफ्टर कॉलिजन आफ्टर इम्पार्टेड द बॉल मूव्स इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस, देन व्हाट हैपन अगेन इन एक्स डायरेक्शन द बॉल इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, दिस सीधा ही जा रहा है, सीधा आ रहा है तो उसी डायरेक्शन में वो कंटिन्यू हो रहा है। बट इन वाई डायरेक्शन व्हाट हैपन, इनिशियल कंडीशन वो नीचे की ओर आ रहा है लाइक
और आफ्टर कोलिजन द बॉल इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन देन व्हाट हैपन इन वायक्सिस व्हिच इज गोइंग टू अपोजिट डायरेक्शन ओके यानी कि इनिशियल कंडीशन में वो वाई के अपोजिट आ रहा था नीचे की ओर आ रहा था और आफ्टर कोलिजन तो वो ऊपर की ओर जा रहा है क्लियर सो देयर इज द चेंज इन एक्स एक्सिस द बॉल इज मूविंग विथ कंटिन्यूअस स्पीड देयर इज नो चेंज इन स्पीड क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है बट इन वाई एक्सिस इनिशियल कंडीशन में वो नीचे की ओर आ रहा है और फाइनल कंडीशन में देखो वो ऊपर की ओर जा रहा है ओके तो डिफरेंस समझो यहाँ पे तो सेम फिगर में यहाँ पे ले रही हूँ तो इनिशियल कंडीशन में हमारी फॉर एग्जांपल ये है हमारी एक्स एक्सिस हो गई इसके रिलेटेड ही ड्रॉ कर रही हूँ और ये जो वाई एक्सिस है उसको मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये वाई एक्सिस है आपकी ओके फिगर मैंने वहां पे समझाया है वही ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे तो ये पी वन मोमेंटम के साथ ही ये इस डायरेक्शन में जा रहा है यहाँ पे भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है बट यहां से ऐसे आएगा तो x के हिसाब से वो ऐसे जाएगा लेकिन y के हिसाब से वो नीचे आएगा तो मैं यहाँ पे एक डायरेक्शन ये दोनों दिखा रही हूँ यहाँ पे क्लियर आफ्टर कोलिजन तो वो इस डायरेक्शन में जा रहा है डायरेक्शन तो x तो इसी डायरेक्शन में हो रही है x डायरेक्शन में बट y में क्या है तो y में अब डायरेक्शन ऊपर की ओर हो जाएगी यानी कि ऐसे हो जाएगी तो यहाँ पे वो ऐसी हो जाएगी डायरेक्शन क्लियर समझ में आ रहा है ना चलो अभी क्या करें हम तो यहां पे देखो ये एंगल ये और ये एंगल अभी देखो y के रिलेटेड वो एंगल बना रहा है यहां पे तो y के रिलेटेड ये एंगल ये कौन सी साइड हुई इसके लिए तो एडजस्टेंट हुई और ये क्या हुई तो अपोजिट हुई तो ये क्या हुआ ये उसका क्या होगा हाइपरटेनियस होगा हाइपरटेनियस बनेगा यहाँ पे थीटा के हिसाब से दिस इज एडजस्टेंट अपोजिट एंड हाइपरटेनियस सेम हियर फॉर दिस डायरेक्शन दिस इज एडजस्टेंट एज इट इज दिस इज अपोजिट एंड दिस इज हाइपरटेन ओके तो यहाँ पे जो एंगल मिल रहा है उसके हिसाब से हम यहाँ पे बना लेते हैं लिख लेते हैं तो इक्वेशन हमें क्या मिलेगा फॉर थीटा अकॉर्डिंग टू दिस एंगल एडजस्टेंट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस इट गिव्स कॉस थीटा रिलेटेड विद डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी वाई डायरेक्शन ओके तो यहां पे हम लिख लेते हैं पी वन कॉस थीटा दिस इज एडजस्टेंट यहाँ पे हम अपोजिट लिख लेते हैं अपोजिट और दिस इज हाइपोटेनियस ओके एडजस्टेंट हाइपोटेनियस सेम हियर हाइपोटेनियस एंड दिस इज अपोजिट ओके अकॉर्डिंग टू एंगल तो एडजस्टेंट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस इट गिव्स कॉस थीटा अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस इट गिव्स साइन थीटा क्लियर तो यहाँ पे जो है ये एंगल के हिसाब से एडजस्टेंट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस सी एक्सिस के हिसाब से तो कॉस थीटा है ओके एंड एडजस्टेंट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस बट आफ्टर कोलिजन तो ये क्या हुआ आपका पी टू कॉस थीटा आएगा क्या आएगा पी टू कॉस थीटा ओके पी टू कॉस थीटा नाउ हियर अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस यानी साइन थीटा तो अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस अगेन पी टू साइन थीटा क्लियर एडजस्टेंट हाइपोटेनियस कॉस थीटा अपोजिट हाइपोटेनियस साइन थीटा सेम हियर क्लियर चलो हो गया तो फिगर हमारी कंप्लीट है मैंने थोड़ी स्मॉल ड्रॉ की है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है लेकिन हमने यहाँ पे समझाया है तो आपको समझ में आ गया होगा या फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा ये ओके चलो तो यहाँ पे थोड़ी सी चलो ये हो गया हमारा नाउ व्हाट हैपन अ बॉल बाय एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड
यानी कि इनिशियल स्पीड जितनी भी है बॉल की उतनी ही फाइनल स्पीड रहेगी। ओके, सो वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। इफ दी इनिशियल मोमेंटम इज P1 इज इक्वल MV, देन फाइनल मोमेंटम इज ऑल्सो P2 इज इक्वल MV, राइट? सो हियर हियर P1 इज इक्वल M इंटू V, विच इज इनिशियल मोमेंटम। देन वॉट इज फाइनल मोमेंटम? P2 इज ऑल्सो MV, बिकॉज वाई सेम MV इंटू MV? बिकॉज देर इज नो चेंज इन स्पीड। द स्पीड ऑफ बॉल इज बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन बोथ आर सेम। ओके, बट देर आर चेंज इन डायरेक्शन, तो वो हम काउंट में ही ले लेंगे। ओके, सो Here is P1 is equal P2, we can write, okay? तो ये कंडीशन है हमारे पास फ्रॉम दी एग्जाम्पल वैल्यू। ओके, तो इतनी कंडीशन है हमारे पास। चलो तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। फिगर आपको समझ में आ गई हो तो आप इजीली काउंट कर सकते हो। वैसे हमें क्या फाइंड करना है इस एग्जाम्पल में, तो इम्पल्स इम्पार्टेड ऑन बॉल, इम्पल्स इम्पार्टेड टू दी बॉल, तो वो कितना है? तो यहाँ पे बॉल बोथ डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो बोथ डायरेक्शन के हिसाब से हम चेंज इन मोमेंटम फाइंड करेंगे, तभी हमें इम्पल्स मिलेगा। ओके, बट हियर सपोज j is the unit vector in the direction of x and y axis. I and j is the unit vector in the direction of x and y axis. So from the figure we can see P1 sine theta in x direction and P2 sine theta in also x direction. They are same in only one direction. So the speed of इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम इन एक्स एक्सिस इज सेम और कंटिन्यूस। ओके, फ्रॉम द फिगर P1 साइन थीटा एंड P2 साइन थीटा आर इन वन डायरेक्शन इन एक्स एक्सिस, सो इट्स कॉन्स्टेंट। ओके, सो इन एक्स डायरेक्शन दिस मोमेंटम इज कॉन्स्टेंट बिकॉज देर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। ओके, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही यहां पे। चलो, सो फ्रॉम द फिगर और इन एक्स डायरेक्शन चेंज इन मोमेंटम, द चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, देर इज चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन विच इज, सो डेल्टा पी इज इक्वल, इक्वेशन तो हमें पता ही है चेंज इन मोमेंटम का, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चलो, फाइनल मोमेंटम इन एक्स एक्सिस विच इज P2 साइन थीटा आफ्टर कोलिजन, P2 साइन थीटा एंड विच यूनिट वेक्टर विथ एक्स एक्सिस विच इज I, बिकॉज सपोज
आई एंड जे, ओके, माइनस इनिशियल मोमेंटम इज पी वन साइन थीटा, पी वन साइन थीटा अल्स आई, ओके. What happened? What is the answer we get from this equation? Delta P. क्या आएगा आपको? P2 sin theta I minus P1 sin theta J in x direction. So there is no change in momentum because the momentum is the ball is going in x direction without continuous change in speed. So there is no change in speed. That means the momentum is constant. Means zero, because here is one condition we have, P1 is equal mv and after collision P2 is equal also mv. So we have the equation through P1 is equal P2. Here is P2 is equal P1, that means changing momentum in x direction, which is zero. Clear? Chalo. Now in y direction, the change in momentum इन वाई डायरेक्शन, चलो क्या आएगा? डेल्टा पी इज इक्वल फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. चलो फाइनल मोमेंटम क्या है इन वाई डायरेक्शन? तो फाइनल मोमेंटम आपको यहां पे मिल रहा है वाई डायरेक्शन में, तो वो पॉजिटिव मिल रहा है आपको. देखो ये क्योंकि ये बॉल इस डायरेक्शन में जा रही है तो वो वाई के हिसाब से अपवर डायरेक्शन में जाएगा, तो विच इज वो है पी टू कॉस थीटा, पी टू कॉस थीटा. और विच यूनिट वेक्टर आर रिलेटेड विथ वाई एक्सिस, विच इज जे वेक्टर, जे कैप माइनस इनिशियल मोमेंटम इज पी वन कॉस थीटा, बट दिस पी वन कॉस थीटा इज गोइंग टू डाउनवर्ड डायरेक्शन इन वाई. And that's why this P1 cos theta is minus, okay? So minus P1 cos theta J. Clear? So our answer is minus minus this is plus. P2 is equal P1. We have the condition. So we get the answer from this equation twice P2 cos P1 is equal P, हम P ले सकते हैं ट्वाइस P, डायरेक्टली ले लेते हैं cos theta J वेक्टर, और पॉजिटिव में ही रहेगा वो. क्लियर? P2 कोई भी ले लो, P1 is equal P2 ही है तो आप कोई भी ले सकते हो P2. चलो नाउ P2 is equal M into V, पुट दिस वैल्यू, नो सॉरी दिस इज द चेंज इन मोमेंटम, ओके, इन y डायरेक्शन. सो we find the both direction, the change in momentum in both direction, x direction and y direction. Now what happen, what we find? The impulse imparted to the ball. So the impulse imparted to the ball F into delta t, directly हम लिख सकते हैं impulse का formula. Why? Because we get the change in momentum, not force into time, because we haven't time, value of time, okay? So F into delta t is equal, क्या equation मिलेगा? तो change in momentum, delta p ही रहेगा. But which direction? Related to which direction? There is change, impulse in y direction, sorry, in x axis direction, which is zero, because the change in momentum is zero. So according to the y direction, impulse is equal delta p is equal to p2 cos theta j. Okay, तो हम y direction का ही फिर सिर्फ लिखेंगे, x की लिखने की जरूरत नहीं है, because वो आंसर में क्या मिलेगा? जीरो ही मिलेगा. क्लियर? तो हियर इज ट्वाइस p2 cos theta j. नाउ पुट द वैल्यू, p2 इज इक्वल एम वी ट्वाइस mv cos theta j, here is 2 into, put this value, mass of the ball is 0.15, velocity of the ball is 15 into cos
कॉस थीटा कितना है? कॉस थीटा नाउ सी, कॉस थीटा इज अ 45 डिग्री, बट हियर इज इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम जो मिल रहे हैं वो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग मिल रहा है। तो जो मेन आपका एंगल है 45 बन रहा है, तो वो वाई एक्सिस के हिसाब से दो एंगल में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे हाफ हो जाएगा यहाँ पे। ओके तो थीटा थीटा कितने एंगल हो गए? दो एंगल, 45 जो एक था उसमें से दो हो गया, तो आपको 45 का क्या मिलेगा? बाय टू, बिकॉज 45 इज डिवाइड इन टू एंगल। सो 45 डिवाइड बाय टू इट गिव्स 22 into 2 = 44.5, 22.5 डिग्री ये आपको एंगल मिल गया। ओके तो यहाँ पे कॉस 22.5 डिग्री वेक्टर जे। ओके जहां पे कॉस 22.5 डिग्री की जो वैल्यू आपको लॉग टेबल में से मिल जाएगा, जिसमें फर्स्ट इन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में आपको डिग्री 22 की देखनी है, और हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसमें 5 डिग्री की वैल्यू आप देखोगे, तो जो भी लाइन मैच होती है उसमें कॉस 22.5 डिग्री की वैल्यू मिलेगी आपको लॉग टेबल में। ओके लेकिन यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यू है, अगर लॉग टेबल नहीं है तो आप डायरेक्टली कैलसी साइंटिफिक कैलसी में आप कर सकते हो, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो हम एग्जाम्पल में ये वैल्यू रख सकते हैं। डायरेक्टली एग्जाम में भी आपको फिकर करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको लॉक टेबल भी मिल सकता है या फिर डायरेक्टली वैल्यू भी मिल सकती है। ओके तो यहाँ पे मैं वो वैल्यू लिख रही हूँ, 2 × 15 × cos, वो जो वैल्यू है 22.40 डिग्री, वो जो है वैल्यू आपकी वो 0.9239 ये वैल्यू है। ओके तो यहाँ पे आपको फाइंड करके उसका आंसर लिखना है। ओके जो भी आंसर उसका आएगा इनटू जे कैरेट। ओके तो ये रहा आपका एग्जांपल, एकदम इजी है। दिस एग्जांपल इज आईएमपी फॉर 3 मार्क्स सेम एज इलस्ट्रेशन 5.5। आपको सिर्फ फिगर ये जो है वैल्यू के हिसाब से फिगर समझनी है, और फिगर के हिसाब से आप डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ पे। ओके तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू, तब तक आप पढ़ते रहो।